गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस वीडियो सेशन इज फॉर क्लास सेकंड स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज एडिशन। दिस इज आवर लेक्चर नंबर 7। टुडेस टॉपिक्स आर फन टाइम एक्टिविटी। यस बेटा, टुडे वी विल डू अ एक्टिविटी, फन टाइम एक्टिविटी एंड एडिंग थ्री डिजिट नंबर्स विदाउट कैरी ओवर। अंडरस्टूड बेटा? So let's start. Yes, beta. So let's start fun time. Okay. So here, beta, we have to make a total of 100. So see what we have. We have some numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. So what we have to do? Yes. Choose 4 of these digits. बेटा, ये जो नंबर्स हमें दिए हुए हैं 1 से लेकर 9 तक, इनमें से हमें कोई भी 4 नंबर्स चूज करने हैं। ओके, एंड ईच वन मस्ट बी डिफरेंट। हर नंबर अलग होना चाहिए, ठीक है? मतलब आपने नंबर को रिपीट नहीं करना। पुट वन डिजिट इन वन बॉक्स। सी हियर वी हैव 4 बॉक्सेस। ओके, एंड आई चूज 1, 2, 4 एंड 7। Understood, Pita? I can take any 4 numbers now. So I choose 1, 2, 4, and 7. See, this makes 2 digit numbers reading. See how? Across and 2 digit numbers reading down. Dekho, this makes 2 digit numbers reading across. Across kya hota hai, Pita? Aapne is tarah se number reading karni hai. Okay? Like 1. क्या बन गया नंबर? 2 डिजिट का नंबर बन गया, दैट इज 12। 4, 7, 47। ओके, एंड 2 डिजिट नंबर्स रीडिंग डाउन। डाउन मतलब ऊपर से नीचे तक, यानी कि 1, 4, 14 एंड 2, 7, 27। सो वी हैव टू ऐड ऑल दीज नंबर्स लाइक दिस। सी हियर 1 to 12 दिस नंबर एंड 4, 7, 47 दिस नंबर। Then 1, 4, 14 and 2, 7, 27. So, what is the answer of these? When we will add these numbers, we will get 100. Understood, beta? So, in this example, the total is 100. And you have to take your numbers. So, your answer will be different. Okay. So, you have to choose any 4 numbers. And then you will add those numbers, okay? And then you can see that what is your result, okay? Now here, we will make 200 now, okay? Let's see how. 2 digits are written on 2 boxes, okay? Fill the other 2 boxes with different digits and all the 4 numbers to have the total as 200. अभी बेटा लास्ट हमने एग्जाम्पल में देखा था कि हमने 100 बनाया था उससे, अब हमें 200 बनाना है और इसने हमें 2 डिजिट्स दे रखी हैं और 2 डिजिट्स हमें अपनी तरफ से लेनी है, ठीक है? और उससे हमें 200 बनाना है। सी हियर द फर्स्ट नंबर ही हैज गिवन अस 6 एंड सेकंड इज 7। ओके, एंड वी हैव टू राइट 2 नंबर्स हियर। ओके, सो He has given us hint. The hint is, hint का मतलब क्या होता है? उसने हमें थोड़ा सा आइडिया दिया है कि कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, इस पजल को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। द सम ऑफ डिजिट्स इन फर्स्ट कॉलम इज 10। अब देखो बेटा, फर्स्ट कॉलम हमारा ये वाला है, दैट इज 6 हियर। ओके, एंड वी हैव टू राइट अ नंबर हियर सो दैट द टोटल ऑफ दीज 2 डिजिट्स, ओके, That is equal to 10. So here we have 6, and to make it 10, we need which number? 4. Okay. And here I'm choosing 2. Okay. So let's see what is the total of these. So our numbers are, first is 64. Okay. Down 2, 7, 27, and here 6, 2, 62, and 4, 7, 47. Understood? So these 4 numbers we can make it. Okay. So
सो नाउ वी विल ऐड 4 प्लस 2 वंस प्लेस पहले हम ऐड करेंगे 4 प्लस 2 6 6 प्लस 7 यस 6 प्लस 7 आफ्टर 6 काउंट टू 7 नंबर 7 8 9 10 11 12 13 ओके सो 13 13 प्लस 7 14 15 16 17 18 19 20 तो 20 का 0 आ जाएगा हमारे पास और 2 कैरी जाएगा 2 के अंदर हम ऐड करेंगे 2 प्लस 6 8 8 प्लस 6 14 14 प्लस 4 18 and 18 plus 2 20 और 0 हमारे पास ऑलरेडी था तो हमारा नंबर क्या आ गया 200 बेटा ओके सो अंडरस्टूड हाउ वी कैन मेक द डिजिट्स टू मेक आवर नंबर ओके सो यू कैन टेक योर नंबर्स एंड यू कैन मेक फन फ्रॉम इट ओके बेटा नाउ एडिंग 3 डिजिट नंबर्स सो बेटा आज हम सीखेंगे कि 3 डिजिट नंबर्स को हम किस तरह से ऐड करते हैं ओके सो फॉर बिफोर इट पॉइंट्स टू रिमेंबर नंबर 1 फर्स्ट ऐड वंस प्लेस डिजिट्स जब भी बेटा हम एडिशन करते हैं तो हम हमेशा वंस प्लेस से स्टार्ट करते हैं चाहे वो 1 नंबर की एडिशन हो 2 नंबर की एडिशन हो या 3 नंबर्स की या इससे ज्यादा की तो यहां पर हमारा क्योंकि 3 डिजिट नंबर्स हैं तो हमारे पास हाउ मेनी प्लेसेस आर देयर देयर आर 3 प्लेसेस सो वी हैव टू स्टार्ट आवर एडिशन फ्रॉम वंस प्लेस सो फर्स्ट ऐड वंस प्लेस डिजिट्स ओके देन नेक्स्ट ऐड टेंस वंस के बाद कौन सा प्लेस आता है बेटा टेंस प्लेस देन वी विल ऐड टेंस प्लेस डिजिट्स ओके एंड टेंस के बाद कौन सा नंबर आएगा कौन सा प्लेस आएगा हंड्रेड्स प्लेस ओके देन ऐड हंड्रेड्स प्लेस डिजिट्स अंडरस्टूड सो लेट्स सी विद एन एग्जांपल हियर वी हैव टू ऐड 532 एंड 463 एंड यू कैन सी बेटा बोथ द नंबर्स आर ऑफ 3 डिजिट्स वंस प्लेस टेंस प्लेस हंड्रेड्स प्लेस हियर आल्सो ones place, tens place, hundreds place. So first of all we will write places. Ones, tens and hundreds. Then we will write 532. 500 hundreds place, 300 tens place and 200 ones place. And then 463 and we have to add it. Okay. So we will start from our ones place. Here we have numbers 2 and 3. So keep 2 in your mind and 3 on your fingers. So after 2, you have to count 3. 2 ke baad 3 numbers count karne hai. 3, 4, 5. Then we will write 5 at 1's place. Now you have to add 10's place digits. So here we have 3 and 6. So keep 3 in your mind, 6 on your fingers. So after 3 you have to count 6 numbers 4 5 6 7 8 9 so we will write 9 at tens place here we have to add 5 and 4 so keep 5 in your mind 4 on your fingers after 5 you have to start counting 6 7 8 9 so we will write 9 here. So our number is 995. मैं हमने आपको बताया था जब भी हम नंबर नेम बोलते हैं या लिखते हैं तो जो नंबर वंस और टेंस के प्लेस पे होता है उसे हमें इकट्ठे ही बोलना है और इकट्ठे ही लिखना है यस बेटा सो यस बेटा सो फाइंड द सम ऑफ पेज नंबर 33 ऑफ योर बुक ओके बेटा So here, question number 1, part A, we have to add, we have given places 1s, 10s and 100s and we have to add 544 and 2. Because 2 is single digit number, so we will write it here at 1s place only. Okay, beta. Now we have to add it. So we will start from our 1s place 4 and 2.
So keep 4 in your mind, 2 on your finger. So after 4, you would have to count 2. After 4, start counting 5, 6. So we will write 6 here at 1's place. Here at 10's place, there is only 4. So answer is 4. At 100's place, 5. We will write 5. Beta, you can write here at 10's and 100's place, you can write 0 here. Okay, aap agar chaho to yahan par 0 bhi likh sakte ho. Okay, there is another way to solve this question, that is by counting forward. Ma'am ne aapko pehle bhi bataya tha beta, jab hame kisi number mein, bade number mein, hame single digit add karni hoti hai, to hum kya kar sakte hain? Counting forward se bhi kar sakte hain. Now here the number is 544, so keep 544 in your mind and open your two fingers. So after 544, you have to count two numbers, that is 545 and 546. So our answer is 546. Understood? Now in B part, let's see what we have to add. Here we have a number 654 and 3. Okay, and we have to add these. So we will start from our ones place. Here at ones place, the numbers are 4 and 3. So keep 4 in your mind and 3 on your fingers. So after 4, you have to count 3 numbers. Let's start counting 5, 6, 7. So we will write here 7. At tens place, there is only one digit, that is 5. So we will write 5 here. And at hundreds place, the digit is 6. So we will write 6 here. There is another way to solve it, that is by counting forward. So keep 654 in your mind and 3 on your fingers. So after 654, you have to count 3 numbers. Yes, start counting 655, 656, 657. So our answer is 657. Now C part. Here we have to add 330 and 6. Okay beta. So we will start from our ones place, that is 0 and 6. And when we add any number to 0, the answer will be the same number. So that is 6 only. And here at tens place, 3 is there. So we will write 3. And at hundreds place, that is 3. Yes. So another way to solve this question, that is by counting forward, 330 in your mind and 6 on your fingers. So let's start counting 331, 332, 333, 334, 335, 336. So our answer is 336. Now in D part, we have to add 513 and 5. Okay, beta. So we will start from our ones place as usual. So keep 3 in your mind, 5 on your fingers. So after 3, count 5 numbers. That is 4, 5, 6, 7, 8. So we will write 8 here at ones place column. Okay, beta. And at tens place, there is only 1. So we will write 1. At hundreds place, only 5 is there, so we will write 5. Or by counting forward, we can do it. 513, keep 513 in your mind and 5 fingers open. Yes, after 513, start counting. 514, 515, 516, 517, 518. So our answer is the same. You can see, hai na beta? यहाँ भी हमारा ऐड करने पे 518 आ रहा है और यहाँ पर भी हमारा 518 आ रहा है. सो देयर आर टू वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके बेटा. यस बेटा, नाउ वी हैव टू सॉल्व ई पार्ट. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज इन दिस पार्ट. वी हैव गिवन 155 एंड 34. हियर यू कैन सी बेटा, 155 इज थ्री डिजिट नंबर्स, 1, 2, 3 डिजिट नंबर. And 34 is two digit number.
ऑलवेज रिमेंबर बेटा, अगर सिंगल डिजिट का नंबर आपको ऐड करने के लिए आता है तो आप वंस वाले कॉलम में लिखोगे सिर्फ, और अगर टू डिजिट का नंबर ऐड करने के लिए आता है तो आप उसे वंस और टेंस वाले कॉलम में लिखोगे, ओके। और अगर थ्री डिजिट का होगा तो वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स, ओके। नाउ वी हैव टू ऐड, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम अवर वंस प्लेस, सो कीप फाइव इन योर माइंड, फोर ऑन योर फिंगर। सो आफ्टर फाइव काउंट फोर नंबर्स, सिक्स सेवन एट नाइन, सो वी विल राइट नाइन हियर। नाउ इन टेंस प्लेस वी हैव फाइव एंड थ्री, सो कीप फाइव इन योर माइंड, थ्री ऑन योर फिंगर। यस, आफ्टर फाइव काउंट थ्री नंबर्स, सिक्स सेवन एट, एंड हियर एट हंड्रेड्स प्लेस ओनली वन इज देयर, सो वी विल राइट वन। सो आवर आंसर इज 189। नाउ इन एफ पार्ट we have to add 668 and 11. 668 में हमें 11 को ऐड करना है बेटा, सो अगेन वी विल स्टार्ट फ्रॉम आर विच प्लेस, वंस प्लेस, सो लेट्स स्टार्ट। 8 प्लस 1, सो कीप 8 इन योर माइंड एंड 1 ऑन योर फिंगर। सो आफ्टर 8 क्या आता है नंबर बेटा, 9, है ना। मैम ने आपको पहले बताया था कि जब हम किसी नंबर में 1 ऐड करते हैं तो हमें उसका नेक्स्ट नंबर मिलता है, तो 8 का नेक्स्ट नंबर क्या हो गया, 9। एंड हियर 6 प्लस 1, सो 6 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 7। एंड हियर एट हंड्रेड्स प्लेस ओनली 6 इज देयर, सो वी विल राइट 6। सो आवर आंसर इज 679। नाउ इन जी पार्ट वी हैव टू ऐड 180 एंड 19। 180 में हमें 19 को ऐड करना है बेटा, so we will start from our ones place, here 0 plus 9, और मैम ने ये प्रॉपर्टी बताई थी आपको कि when we add 0 to any number, the answer is the number itself, okay? So 9 is our answer here at ones place, okay? And here 8 plus 1, so 8 के बाद क्या आता है बेटा, that is 9. And here at hundreds place only 1 is there, so we will write 1. So our answer is 199. Now in H part, we have to add 339 and 20. Okay, so here 9 plus 0. So we will get the same number, 9. And 3 plus 2, keep 3 in your mind, 2 on your fingers. So after 3, count to 2 numbers, that is, yes, 4, 5. We will write 5 here. And here at hundreds place, only 3 is there. So we will write. So today's homework is learn and write table of 8 twice in notebook. Twice means beta, two times. Yes, now you have learned, है ना? Yes beta, आपको two बार 8 की table अपनी notebook में लिखनी है, proper format बनाकर, ठीक है? उसमें आपने date डालनी है, HW लिखना है, और बीच में क्या लिखेंगे आप, टेबल ऑफ 8 और ब्रैकेट में लिखेंगे ट्वाइस। ट्वाइस मींस टू टाइम्स, और सिंगल डिजिट, है ना, वन कॉलम में वन डिजिट लिखनी है आपको, ओके बेटा। लेकिन जब इसका आंसर आप लिखेंगे, जैसे आपने लिखा 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 8, है ना, तो आपने 8 का आंसर 8 वन कॉलम में लिख दिया। अब जब आप लिख रहे हैं 8 मल्टीप्लाइड बाय, आप वन कॉलम में लिखेंगे 8, वन में लिखेंगे मल्टीप्लाई का साइन, फिर 2, फिर इक्वल टू का साइन, और फिर जब आपको 16 लिखना है तो 16 आपने इकट्ठे ही लिखना है, क्योंकि ये हमारा 8 टूजा का आंसर है, ओके बेटा, उसे आपने अलग अलग से नहीं लिखना, ओके। टेबल में हम इसी तरह से लिखते हैं। नाउ homework discussion of lecture number 6. So I had given you sums, you have to add 34, 46 and 13. Okay, so let's start from our ones place. 4 plus 6, 10. 10 plus 3, 13. So we will write 3 here and 1 will carry. Okay, so here we have 4 numbers now. First we will write, we will add 3 plus 4. That is equal to 7. 7 plus 1, 8. And 8 plus 1, 9. So our answer is 93. So aapka jo ek question tha, uska answer kya aaya? 93.
Now in B, we have to add 54, 22 and a 10. So we will start from our ones place. 4 plus 2, that is equal to 6. अब बेटा 6 जो है हमारा सिंगल डिजिट का ही नंबर आया है, तो इसलिए हमारा कोई भी नंबर कैरी नहीं जाएगा. Only 6 we will write here. Now we have to add tens place numbers. That is 5 plus 2, 7. 7 plus 1, 8. That is equal to 86. Okay, beta? Yes, beta. Now in C part, we have to add 39, 20 and 16. Okay, beta? So we will start from our ones place. And here at ones place, we have digits 9 and 6. So keep 9 in your mind and 6 on your fingers. So after 9, count to 6 numbers. 10, 11, 12, 13, 14, 15. So we will write 5 here because it is 2 digit number and 1 will be carry over at tens place column. Now 3 plus 2 is equal to 5. 5 plus 1 is equal to 6. And we will add carry digit 6 plus 1, that is equal to 7. So answer is 7575. Now in D part, here we have 20, 67 and 15. Okay, beta. So we will start from our ones place. Keep 7 in your mind and 5 on your fingers. So after 7, count 5 numbers. 8, 9, 10, 11, 12. So our answer is of 2 digit numbers. So we will write 2 here and 1 will be carry over. Okay, beta. Now in this row, you can see we have 4 numbers. So we will start from 2 and 6. So first we will add 2 and 6. So keep 2 in your mind and 6 on your fingers. So after 2, count the 6 numbers. 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 plus 1, 9. And 9 plus 1, 10. So we have again 2 digit number. So we will write 0 here. And 1 will be carry over at hundreds place. So beta, tens ka carry jo hai wo kahan jata hai? Hundreds pe jata hai. Now you can see at hundreds column, there is only 1. So we will write 1 here in the answer. So our answer is 102. Understood, beta? Always remember, ones ka carry jata hai tens pe aur tens ka carry kahan jata hai? Hundreds pe. Thank you.